मैं बोल रही हूँ। क्या आप बोर और अकेले हैं? तो मेरे पजामा पार्टी में आइए, मैं वादा करती हूँ ये मजेदार होगा। वाह, एक बहुत अमीर पार्टी। सोफी इसे मिस नहीं कर सकती, मैं बस आ रही हूँ। मेव के घर पर स्लीप ओवर होने वाला है। सपने सच होते हैं, बस इसे एक नकली इनविटेशन बनाने की जरूरत है। कोई बात नहीं, एलिस के पास कोई पैसे नहीं है, पर उसके पास बहुत सारा टैलेंट है। मेरा इंतजार करो मेव। गेस्ट यहाँ पर आते ही होंगे, मुझसे रहा नहीं जाता। मेव सभी को देखना चाहती है। अमीर सोफी आ चुकी है, लगता है उसने अपने पजामास के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। तुम वहाँ पर किस लिए खड़े हो? चलो अमीर गेस्ट के लिए पैसों का कारपेट बनाओ, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था, ये बेहतर है। सोफी पैसों की खुशबू का पीछा करते हुए आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। मैं आपकी मदद करता हूँ सोफी, इसे अपना ही घर समझो। पर पहले कुछ चेक कर लेते हैं। आपका इनविटेशन मिस। ओह बस करो, सब ठीक है, कोई चीटिंग नहीं है। ये आखिरकार एलिस भी पार्टी में पहुंच गई। ओह ये भगवान, इतने पैसे, क्या कोई तकलीफ है मिस? नहीं दोस्त, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है, गरीब लोगों को पार्टी में नहीं बुलाया था। इसे संभाल लेना डेनिस। कोई बात नहीं, ये रहा मेरा इन्विटेशन, पर ये तो नकली है। यहाँ से निकल जाओ, अमीरों के मजे अब शुरू होने वाले हैं। और एलिस यहाँ पर नहीं रह सकती, पर वो हार नहीं मानने वाली है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो खिड़की से अंदर जाना चाहिए। फिर बस थोड़ा और एलिस ने कर दिखाया। हे लड़कियों, पार्टी कब शुरू होने वाली है? गरीब लोगों में कोई तमीज नहीं होती है। इस पार्टी को हिस्ट्री में याद किया जाएगा। अब कपड़े बदलने का वक्त आ गया है लड़कियों, हमें सबसे प्यारे पजामास की जरूरत है। मेव के पास खास स्क्रीन है, ये उसके आउटफिट्स को चुनता है। अमीरों वाला बेहतरीन जादू, क्या कहती हो लड़कियों? तुम बहुत प्यारी लग रही हो मेव। अब मेरी बारी है। सोफी एक सोशलाइज लैपर्ड की तरह लग रही है, उसके पास स्टाइल है, उसके पास ग्रेस है। मुझे भी ये करना है लड़कियों, मुझे निराश मत करना स्क्रीन। पर एलिस की किस्मत फिर से खराब है, स्क्रीन को वो पसंद नहीं आई। फिर से कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ठीक है एलिस, ये कैसा मजाक है, तुमसे नहीं हो पाएगा। पर एलिस अब अमीर स्क्रीन से बदला लेगी। इसने काम किया, लड़कियों देखो मेरे पास भी पजामास है, चलो सारी रात पार्टी करें। पार्टी में मजा बढ़ने लगा है, वो अपने फोन्स नीचे नहीं रख पा रहे हैं। एलिस की परेशानी अलग है, उसका कार्डबोर्ड पिलो उसे तंग कर रहा है, ये इस तरह से परेशान कर रहा है, पर इस तरह से भी कैसे रहेगा? सोफी जरा संभल कर, ये लो मेव पिलो फाइट, ये अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी एलिस, पर सोफी खुश नहीं है। पिलो फाइट बहुत बचकाने होते हैं। हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मुझे पिलो से मारा जा रहा है, वो अभी भी लड़ रहे हैं। ये बहुत अजीब हो चुका है, रुई और पैसे हर जगह पर बिखरे पड़े हैं। हे लड़के, मुझे पता है क्या करना है। जब आपके पास पैसे हो आप हमेशा जीत जाते हैं, और गार्ड बीच में आ चुका है। मैं आ गया हूँ लड़कियों, और अब तुम्हारे सो जाने का वक्त हो चुका है, थोड़ा आराम कर लो। नॉकआउट, मुझे लगता है इसने कुछ ज्यादा कर दिया, माफ करना ये सब गलती से हुआ। हमें डॉक्टर को बुलाना होगा, आप बॉडीगार्ड्स पर किसी भी चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकते हो। क्या तुम ठीक हो लड़की? एलिस क्या तुम ठीक हो? लड़कियों हेलो, उठने का वक्त हो गया है। अमीरों के डांस को हजार लाइक्स मिलेंगे। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, आपको अच्छी तरह से मेहनत करनी होगी, और गार्ड कैमरामैन रहेगा, ये मेव ने कहा है, और उसे बहस ना करने में ही भलाई है। हे लड़के, यहाँ पर क्या चल रहा है? ओह मैं समझ गई, ये तो पजामास डांस है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसा रहेगा अगर पार्टी को खत्म किया जाए? गार्ड पूरी तरह से थक चुका है, पर लड़कियों ने अभी सिर्फ शुरुआत की है। हम कब सोने जाएंगे लड़कियों? हमें अकेला छोड़ दो एलिस, हमें परेशान मत करो, चलो मजे करें। इससे ज्यादा हंसी की बात क्या हो सकती है? वाह अब ये बेहतर है, असली जिंदगी एलिस की तरह, ये ही है असली स्टार। लाइक्स बढ़ने लगे हैं। डेनिस ये तुम क्या कर रहे हो? तुम गरीबी नहीं दिखा सकते हो, कैमरा बंद करो। और लड़कियों को अपनी खूबसूरती पर ध्यान देने का वक्त आ गया है, पेडिक्योर का वक्त हो चुका है, बड़े बिल्स मदद करेंगे। मेव तुम सुंदर लग रही हो, तुम भी सोफी,
रुको, ये कैसी स्मेल है? ये स्मेल बहुत गंदी है, पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बस एलिस है जो अपने पैरों की पेडिक्योर करवाने वाली है। ये कितना बुरा है, एलिस इसे हटा दो। लड़कियों, तुम्हारा पेडिक्योर बहुत पुराने जमाने का है, देखो और सीखो। मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, काम शुरू करो। ये काफी अजीब है पर एलिस ये कर सकती है। सभी ध्यान से रहे, पैर के नेल्स उड़ रहे हैं। पजामा पार्टी बेकाब हो चुकी है। लड़कों के बारे में गॉसिप करें, ये बहुत पुरानी बात है और पहले मेव शुरुआत करेगी। ये नेकलेस मुझे एडम ने दिया था, ये कितना खूबसूरत है, बिल्कुल एडम की तरह। ये प्यार की कहानी एक कॉन्सेप्ट में शुरू हुई थी। मेव को उससे पहली नजर में प्यार हो गया। एडम में कुछ कमी नहीं है। पता नहीं अब स्टेज पर कौन आएगा। एडम के बहुत सारे फैंस हैं, पर पैसों से हर काम हो जाता है। क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए? ये तुम्हारे लिए है, इसे लो और जाओ। ये बहुत अच्छी डील है। मैं आ रही हूँ माय लव, मैं तुम्हारे साथ दुनिया भर में घूमना चाहती हूँ, पर पहले एक रोमांटिक ड्यूएट हो जाए। ये प्यार अमर रहेगा। और इस तरह से हम मिले थे। अपने बारे में बताओ सोफी। ये मेरा ब्रेंडन है, ये फोटो देखो। सोफी की लव स्टोरी बहुत दिलचस्प है। वो बस एक आम दिन था, पर उसके बाद प्रिंस एक व्हाइट हॉर्स पर आया। ये बिल्कुल सपनों जैसा था। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पर पहली नजर में प्यार हो गया। क्या तुम मेरी अमीर गर्लफ्रेंड बनोगी? और इसके बाद से हम दोनों साथ हैं। सोफी, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। एलिस, तुम्हारा प्रिंस कौन है, हमें बताओ। हो, एलिस सबसे अच्छा है, बस इसे देख लो। उनको स्टोर में प्यार मिला था। वहाँ पर एक बड़ी सेल लगी थी, पर उन्हें अपने प्यार के लिए लड़ना पड़ा था। कितना रोमांटिक है। टॉयलेट पेपर की वजह से उनमें प्यार हुआ और उनकी किस बिल्कुल कहानियों जैसी थी। टॉयलेट लव स्टोरी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लड़कियों, खैर ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। स्लीप ओवर कॉन्सर्ट अब शुरू होने वाला है। सोफी स्टेज पर आ चुकी है, जोरदार तालियां हो जाए। ओह नहीं, सोफी के पास पैसे हैं, पर कोई टैलेंट नहीं है। कैश एयरप्लग को लगा लेने में ही भलाई है। गाना गाओ सोफी, शर्माओ मत। एलिस को ये पसंद आ रहा है। आपको अमीर कॉन्सर्ट में आने का मौका हर दिन मिलता है। एलिस, अब इसे रोकना होगा। सोफी, लगता है माइक्रोफोन टूट गया है, अब और गाने नहीं। लड़कियों, ये गलत बात है, अब हम क्या करेंगे? एलिस के पास एक प्लान है। मुझे ऐसा नहीं लगता, पेटी के गरीब लड़कियों के लिए है। मेरे साथ आओ। मेरा इंतजार करो, क्यों ना हॉट टब में स्प्लैश किया जाए। ये असली वीआईपी एंटरटेनमेंट होगा। वाह, ये जगह बहुत फैंसी है। एलिस के पास एक आइडिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस एलिस स्विम करने के लिए तैयार हो रही है। लड़कियों, सामने से हट जाओ। तुम्हारा हॉट टब बहुत मजेदार है मेव, चलो पूरी रात स्विम करें। और हॉट टब के बाद हम अपने बाल बनाएंगे। ये काफी मजेदार है। हेयर क्लिप्स की जगह पर कुछ भी चमकीला इस्तेमाल करो। और पैसे, हो गया। लड़कियां ब्यूटी क्वींस जैसी लग रही हैं। एलिस के बालों को कौन ठीक करेगा? तुम्हारी बारी है लड़की। नहीं, प्लीज मत करो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ये बाल बहुत समय से खुलने का इंतजार कर रहे हैं। एलिस, हम इसका ध्यान रखेंगे, बस सीधा बैठो। खूबसूरती के लिए ऐसा करना पड़ता है, खास तौर से जब बालों में कचरा हो। एलिस, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसमें बहुत मेहनत लगेगी, पर ये दोस्त मिलकर हर टेस्ट को पास कर लेंगे। इसके बालों में और कितने सरप्राइजेज छिपे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ओह, कितना सुकून मिला, मेरे बाल बहुत हल्के लग रहे हैं। ओह स्टीवन, हाय, मैंने तुम्हें नहीं देखा, क्या तुम खेलना चाहोगे? अमीर लोग ये सब नहीं देख पाएंगे। रात में सबको भूख लगती है ना? घबराओ मत लड़कियों, अब हम स्नैक्स खाने वाले हैं। हमारे लिए डिनर ले आओ, अभी अपनी मर्जी से जो चाहिए वो ले लो। बहुत अच्छी खुशबू है, ब्लू चीज, मैं ये कभी नहीं खाने वाली। लगता है सोफी आज रात भूखी रहने वाली है। और एलिस के पास अपना स्नैक है, ये ज्यादा महंगा नहीं है पर बहुत स्वादिष्ट है।
सोफी, क्या तुम लेना चाहोगी? तुम्हें ये फैंसी चीज पसंद आएगी। सोफी, शुक्रिया लड़कियों, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं एक मिनट में आई। ठीक है, उसे बहुत भूख लगी है। हेलो, मुझे एक ऑर्डर करना है, मुझे एक पिज्जा चाहिए, एक बड़ा वाला। हाँ मिस सोफी, वीआईपी गार्ड बहुत तेजी से काम करते हैं। इसे पकड़ो मिस सोफी। बहुत बढ़िया, डिनर यहाँ आ चुका है, अब हम शुरू कर सकते हैं। झगड़ा बंद करो लड़कियों, आज हम पिज्जा खाएंगे। ओह, ये बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा पिज्जा हमेशा काम आता है। और डिनर के बाद अब सोने का वक्त हो गया है। ये स्लीप ओवर का सबसे जरूरी रूल होता है। सपने में पार्टी कैसी रहेगी? मेव अभी से वहाँ पर है। सोफी आओ हमारे पास, इसके लिए कौन मना करेगा? मेव, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, बस एलिस इस सपने में आकर परेशान ना करे। हेलो सोफी, तुम कहाँ पर हो? मेव, तुम्हें देखकर खुशी हुई, मैं आ गई लड़कियों। क्या तुम मुझे याद कर रही थी? अब वो हमेशा के लिए दोस्त बन चुके हैं, उनके सपनों में भी। मेव, हमें हग्स की जरूरत है। ओह नहीं, ऐसा लगता है कि गरीबी एक दूसरे में फैल सकती है। सोफी, मैं तुम्हें हग करती हूँ। एलिस, ऐसा मत करो, गरीबी हर जगह फैल चुकी है। लड़कियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये आज तक का सबसे अच्छा सपना था, पर कुछ लोगों के लिए ये बहुत डरावना था। पर स्लीप ओवर खत्म हो चुका है, सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग लड़कियों, मुझे मेरा हेलीकॉप्टर चाहिए। बाय लड़कियों, मुझे बहुत काम करना है। और सोफी को वायलिन के साथ उठना पसंद है, अमीर लोग बहुत अजीब होते हैं। मैं अभी सो रही हूँ। मैं सोफी तो ऐसी ही है, वो बहुत ज्यादा सोती है। अच्छे से पकड़ लो, हम जल्दी से वापस आएंगे और एलिस को कहीं नहीं जाना है। गुड मॉर्निंग, सब कहाँ चले गए? ये एलिस बहुत अमीर घर में अब अकेली है। मेव को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो दोस्त है ना?